हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि टैली में हम अपनी पहली एंट्री कैसे बनाएंगे। तो बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है अगर आप टैली की शुरुआत करते हैं तो, लेकिन कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है और आप देखते जाइए और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ये टैली का लेटेस्ट वर्जन मैंने ओपन कर रखा है और ऐसी विंडो आपके सामने होगी। सबसे पहले तो आपको टैली ओपन करने के लिए क्या करना होगा, मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं टैली को ऑफ़ करता हूँ, ये ऑफ हो गया टैली। कंट्रोल पैनल यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाइएगा और यहाँ पे टैली सर्च कीजिएगा तो टैली अगर लोड होगा तो आपके में आ जाएगा। ये टैली ERP9 का लेटेस्ट वर्जन मेरे पास है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये एजुकेशनल मोड है, सिखाने के लिए यूज़ होता है। एजुकेशनल मोड में और ओरिजिनल वर्जन में अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि डेट चेंज नहीं होती है, 2 या 3 डेट आप चेंज कर सकते हैं एजुकेशनल मोड में, लेकिन ओरिजिनल वर्जन जो आती है उसमें कोई भी डेट आप चेंज बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, यही अंतर होता है। तो चलिए एजुकेशनल मोड को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर हमें क्रिएट कंपनी के लिए सी पे क्लिक करना है, सी दबाना है। कीबोर्ड से सी बटन प्रेस कीजिएगा तो कंपनी का फॉर्म खुल जाएगा कंपनी बनाने का। यहाँ पर राम एंड सन्स के नाम से मैं यहाँ पर कंपनी बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ राम एंड सन्स लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस है तो एड्रेस मैं वो डाल देता हूँ जो है न्यू कॉलोनी देवरिया डाल दिया। नीचे आएंगे तो यहाँ कंट्री हमारी इंडिया है, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब स्टेट सेलेक्ट करना है तो हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ उत्तर प्रदेश डाल देते हैं। इंटरप्रेस करते हैं, पिन कोड डालेंगे तो जो भी यहाँ का पिन कोड है मैं डाल देता हूँ। उसके बाद इंटरप्रेस करके नीचे आएंगे, यहाँ फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर अगर है तो डाल दीजिए, ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, वेबसाइट है तो डाल दीजिए, मैं फिलहाल नहीं है छोड़ देता हूँ। यहाँ पर दिक्कत होती है, कई बच्चे क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1/4 से, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 मैंने रखा है, और आपका काम कब से स्टार्ट हो रहा है वो डेट यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं 2/4 यानी 2 अप्रैल 2019 डाल देता हूँ, इसी डेट से मेरा काम स्टार्ट होगा। तो इंटर करते हुए अब नीचे आएंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे बराबर से, तो ये एक्सेप्ट हो चुका है। देखिए अब यहाँ पर एक हमने कंपनी बना ली है, इस कंपनी के अंडर में हमें काम करना है, ठीक है। तो कैसे काम करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए वी प्रेस करेंगे हम कीबोर्ड से, और वी प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है रिसिप्ट वाउचर में। तो रिसिप्ट वाउचर के लिए हमें F6 प्रेस करना है, फंक्शन बटन F6 प्रेस कीजिए तो यहाँ हम रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ साइड में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में दिया हुआ है कि क्या क्या हमें प्रेस करने से क्या क्या होगा, तो यहाँ भी देख करके आप काम कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट और डेबिट, इसमें से कुछ भी आपको ऊपर दिखाई पड़ सकता है। रूल के अनुसार जो रूल होता है टैली का, हम पहली एंट्री कर रहे हैं तो देखिए कैपिटल क्या होता है, जो कुछ भी पूंजी हम इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में दैट इज कॉल्ड कैपिटल, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो टैली में उसका एक अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है CR, हमें कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे कीबोर्ड से तो यहाँ लेजर वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख दिया हमने कैपिटल अकाउंट, ओके। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और नीचे आएंगे तो इसको अंडर कैपिटल अकाउंट डालेंगे। इसके बाद नीचे आते जाएंगे और यहाँ पे एड्रेस अगर है तो डाल दीजिए, पिन कोड है तो डाल दीजिए, मैं इसको छोड़ देता हूँ और एक्सेप्ट करा लेता हूँ। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करवाइएगा तब तक टैली में कोई भी जो आप चेंजेस करेंगे वो लागू नहीं होगा, तो आप एक्सेप्ट जरूर करवा लें इसको। कंट्रोल ए दबा करके भी डायरेक्टली आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं, या फिर इंटर करते जाइए और लास्ट में एक्सेप्ट करवाइए तो भी एक्सेप्ट करवा पाएंगे। 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू कर रहा है जो भी है ये, ठीक है। तो अब एंटर करेंगे प्रेस, अब यहाँ पे आएगा कैश, तो कैश को हम कर देंगे डेबिट, ठीक है। डेबिट करने के बाद यहाँ नरेशन है तो मैं लिख देता हूँ नरेशन में बिजनेस स्टार्ट बाई कैश रुपीज 1 लाख, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और इसको भी हम एक्सेप्ट करवा लेंगे, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बाहर आना है और अब हम चलेंगे परचेज वाउचर में, ठीक है। परचेज वाउचर में चलेंगे हम, तो परचेज वाउचर में जाने के लिए हमें क्या प्रेस करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, परचेज वाउचर के लिए हमें F9 प्रेस करना है, तो यहाँ प्रेस करना है या फिर आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं परचेज वाउचर के लिए, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है आपको, इनवॉइस माने होता है बिल, तो बिल वाला नंबर यहाँ पे डाल दिया हमने, ठीक है।
2 अप्रैल को हमारा पहला ट्रांजेक्शन हो रहा है और हम यहाँ पे कैश देंगे क्योंकि हम कैश में खरीद रहे हैं, जो कुछ भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं बेचने के लिए बिजनेस के पर्पज से वो हम कैश देकर खरीद रहे हैं। अगर आप उधार खरीद रहे हैं या पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपको वहाँ पर नाम लिखना होगा पार्टी का जिससे भी आप खरीद रहे हैं। यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ नगर पालिका देवरिया, नगर पालिका रोड देवरिया, यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया इसका, ठीक है। एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको परचेज का लेजर बनाना होगा, तो लेजर बनाने के लिए यानी खाता बनाने के लिए हमें अल्ट के साथ सीधा बनाना है और यहाँ लिखना है परचेज अकाउंट ए ऑब्लिक सी, बस एंटर प्रेस करिए और नीचे आ जाइए। यहाँ पे पी दबाइए तो परचेज अकाउंट वाला विंडो ओपन होगा, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए और नीचे आइए और एक्सेप्ट कराते जाइए, ये एक्सेप्ट हो गया। अब पहली एंट्री हमको बनानी है तो यहाँ पे अल्ट के साथ सी दबाएंगे तो हम खाते बना पाएंगे, लेजर बना पाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या क्या आइटम बिक रहा है, खरीद रहे हैं हम। तो पहला आइटम है कीबोर्ड, कीबोर्ड खरीद रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अंडर प्राइमरी ग्रुप में डालेंगे और यूनिट बनाएंगे हम। यूनिट बनाने के लिए कीबोर्ड से प्रेस कीजिए अल्ट के साथ सी और यूनिट में डाल दीजिए आइटम। तो इसका शॉर्ट नेम आईटीएम डाल देता हूँ मैं और इसका फुल नेम डालता हूँ आइटम, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ, चूंकि यहाँ डेसिमल पॉइंट कोई भी चीज़ हम बेचेंगे तो एक या डेढ़, आधे में नहीं बेचेंगे पूरा बेचेंगे, तो इस वजह से डेसिमल पॉइंट जीरो ही रहने देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे और एक्सेप्ट कराने के बाद क्वांटिटी डालेंगे 44 कीबोर्ड हम खरीद रहे हैं 44, ठीक है। और कितने की एक कीबोर्ड है, 120 रुपये की एक कीबोर्ड है। तो यहाँ पर एंटर किया हमने, टोटल अमाउंट अपने आप आएगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो अब माउस के लिए लेजर बनाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ माउस, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और इसको भी हम आइटम रखेंगे यूनिट इसका, ठीक है। और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लेंगे और सपोज कीजिए 120 माउस हम खरीद रहे हैं और एक माउस की कीमत है 70 रुपये, ठीक है। तो 120 माउस की कीमत जो भी हो गई वो यहाँ आ जाएगी अपने आप। अब यहाँ पे डेस्कटॉप की बात कर लेते हैं, तो डेस्कटॉप एक है, अब यहाँ पे लेजर बनाना होगा, बिना लेजर बनाए नहीं होगा, तो अल्ट के साथ सी दबाइए और यहाँ लिखिए डेस्कटॉप, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर भी आइटम रख देते हैं हम, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप जो है 20 डेस्कटॉप हम खरीद रहे हैं, 20 डेस्कटॉप, और एक डेस्कटॉप की कीमत जो है 22,000 रुपये है। तो यहाँ कीमत इसकी लिख दिया और कीमत के हिसाब से यहाँ टोटल होके आ गया कि इतने की कीमत कितनी है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आएंगे, अब हमको कोई एंट्री दोबारा नहीं करनी है, तो यहाँ नरेशन में लिख देंगे द आइटम्स हैव बीन परचेज्ड, ठीक है, ये लिख दिया हमने। एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब जब हमको ये देखना होगा कि ये कहाँ गया, इसकी एंट्री हमको देखनी है कि हमने क्या क्या एंट्री की है, तो यहाँ से आपको एस्केप बटन दबाना होगा और बाहर आना होगा। बाहर आने के बाद आपको जाना है डेबुक में, डिस्प्ले में जाना है, यहाँ नीचे आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा, ये डिस्प्ले में आपको जाना है। इसके लिए आपको डी प्रेस करना होगा कीबोर्ड से, तो डिस्प्ले में आ जाएंगे और फिर आपको डेबुक में जाना है, ये डेबुक जो दिख रहा है इसके लिए फिर डी प्रेस करेंगे तो डेबुक में आ जाएंगे। तो ये देखिए पहली एंट्री कैपिटल अकाउंट वाली हमारी है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी एंट्री हमने करी है परचेज अकाउंट की, तो वो यहाँ पे दिख रही है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे एंट्री हम कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ पे इसको प्रिंट निकालना है, इसका इसका बिल का प्रिंट निकालना है। तो कंट्रोल के साथ अल्ट के साथ पी दबाइएगा तो ये बिल प्रिंट होकर के भी आ जाएगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बिल एक्चुअल में दिखेगा कैसे। तो यहाँ पे देखिए ये बिल जो है प्रिंट होकर आ चुका है और ये देखिए ये इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। तो आई होप कि ये पहली वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी कि अगर टैली की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले हम कैसे शुरुआत कर पाएंगे इसमें। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।